ओम पुरी की पूर्व पत्नी नंदिता पुरी कृष्ण कुमार कुनाथ की मौत के लिए पश्चिम बंगाल को दोषी ठहराती हैं। केके की मृत्यु नजरुल मंच सभागार में खेलने के बाद हुई। 53 वर्षीय स्थल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, यह निकला। नंदिता पुरी ने पोस्ट किया, पश्चिम बंगाल पर शर्म आती है। कोलकाता ने केके को मार डाला और सरकार उनके दोषपूर्ण नजरुल मंच के लिए राज्य को अलविदा कह रही है। 2500 की क्षमता के लिए 7000 के साथ असफल एयर कंडीशनिंग। गायक को 4 बार अत्यधिक पसीना आया, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई नहीं, छूटे हुए अवसर। सीबीआई की जांच तक बॉलीवुड को बंगाल से दूर रहना चाहिए। केके के अंतिम कॉन्सर्ट वीडियो में उन्हें काफी पसीना आता है और वेंटिलेशन के बारे में पूछते हैं। कई उपस्थित लोगों ने बताया कि जगह बहुत अधिक थी और केके असहज लग रहे थे। रात 9:15 बजे उन्हें मंच से बाहर ले जाया गया और उनके साथ ले जाया गया होटल, जहां वो फिसल गया। उसे रात 10 बजे के आसपास मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम के निष्कर्षों में गड़बड़ी की संभावना नहीं है। प्रारंभिक रिपोर्टों में कहा गया है कि गायक की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। उसकी मृत्यु संदिग्ध नहीं थी। गायक को हृदय संबंधी भी कठिनाई है, यानी एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया। एक अन्य पीटीआई की कहानी के अनुसार एक ऑटोप्सी विशेषज्ञ ने खुलासा किया कि केके की बाईं प्रमुख कोरोनरी धमनी में 80% रुकावट थी और हो सकता है कि सीपीआर के साथ पुनर्जीवित किया गया हो। डॉक्टर उन्हें बाईं मुख्य कोरोनरी धमनी में गंभीर रुकावट थी और अन्य धमनियों और उप धमनियों में छोटे ब्लॉकेज थे। लाइव इवेंट के दौरान अत्यधिक उत्साह ने उनके रक्त प्रवाह को रोक दिया, जिससे कार्डियक अरेस्ट हुआ। गायक की बाईं मुख्य कोरोनरी धमनी में 80% स्टेनोसिस था और अन्य धमनियों और उप धमनियों में मामूली रुकावट थी। कोई नाकाबंदी 100% नहीं थी।